मैं कड़ी बना देती हूँ। तो गाइस कड़ी देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और अब एक जन मेरे से बहुत ज्यादा पिटने वाला है। आज हमें एक शादी का इनविटेशन भी मिला है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज है थर्सडे और मैं चल पड़ी हूँ स्कूल की तरफ। ये तो ये रहा मेरा न्यू लुक क्या है, ये तो पुराना ही है। ये वाली साड़ी मैंने पहनी है विद मैचिंग तो नहीं था, पर मैंने इसको कंट्रास्ट करके व्हाइट ब्लाउज के साथ पहना है। तो बस माइलू एकदम झटपटा रहा है अपने ट्रीट के लिए, इसको अपना ट्रीट चाहिए। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए इसको फटाफट इसका ये वाला ट्रीट दे देते हैं। तो चलो चलते हैं स्कूल की तरफ वरना लेट हो जाएंगे। सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं इस वीक को ख़त्म करने में। आज हो गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर आ जाएगा हमारा संडे। तो गाइस बस निकलती हूँ वरना लेट हो जाऊँगी, स्कूटी से जाना है तो टाइम से पहले पहुँच जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो बस तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द फुल ब्लॉग। यहाँ पे माइलू को अपना ट्रीट मिल गया है तो कितने प्यार से बैठ के उसको खा रहे हैं। तो फाइनली मैं निकल गई हूँ ये शर्ट पहन के, और शर्ट पहन के नहीं जा रही हूँ, मैंने साड़ी के ऊपर पहना था कि मैं अपने आप को कवर कर सकूँ। मैं घर वापस आ गई हूँ और अपने रूम में आके देखो मैं क्या देख रही हूँ कि माइलू ने देखो बेड का क्या हाल किया है। देखो माइलू ने पूरा ये फाड़ दिया, देखो इतनी शैतानी करता और इतना इनोसेंट बन रहा है। अब मैं इसको बिल्कुल चीजी नहीं दूंगी। अब देखो इसने मेरे बेड का क्या हाल किया, अब मैं कैसे करूँ, अब मेरे को फिर वही है चेंज करना पड़ेगा। टाइम से पहुँच गई हूँ, मम्मी आज घर में नहीं है और लाइट भी चली गई है। ये तो जो लाइट चल रहा है ना ये इन्वर्टर से चल रहा है। तो फटाफट लंच करती हूँ, बहुत भूख लग रही है, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। शाम हो चुकी है और मम्मी चाय बना रही हैं और आज मैं सो नहीं पाई क्योंकि घर में कोई ना कोई बार बार आके मुझे डिस्टर्ब कर दे रहा था, कभी मम्मी कभी पापा। तो बस हमारी चाय चढ़ गई है, मम्मी ने चढ़ा दिया है और किचन पूरा मिस्टअप हो रहा है। देखो पूरा किचन गंदा हो रहा है। बस थोड़ी देर में हम लोग साफ़ सफाई करेंगे, चाय पी के फ्रेशन अप होते हैं, फिर उसके बाद हम घर का सारा काम करेंगे। आज हम चाय के साथ ये खाएंगे नमकीन, ये बहुत ही टेस्टी होता है, स्पाइसी वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत ही यम्मी होता है। इसमें मैंने ना थोड़े से चिप्स, वो जो वो फास्टिंग वाले चिप्स नहीं होते वो मिक्स कर दिया है नमकीन के साथ। डिनर टाइम हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या खाना है। तो मम्मी बोल रही हैं कि जब कल जब मैंने वो जो घी निकाला था ना तो उसका जो लस्सी निकला है उससे मैं कड़ी बना देती हूँ। तो अब कड़ी बनाते क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमारे घर में कड़ी नहीं बना है, वो मैं नहीं बनाती थी अपने गले की वजह से। तो बस अब सोच रहे हैं कि कड़ी बना लेते हैं, बट अब बेसन नहीं है, उसके लिए मुझे दुकान जाके बेसन लेकर आना पड़ेगा। तो चलो मैं बेसन लेकर आती हूँ फिर हम कड़ी बनाते हैं। मैं बस दुकान पहुँच गई हूँ। मैंने सारा सामान ले लिया है, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने आज छाछ भी ले लिया थोड़ा सा खटास के लिए, तो क्या पता अच्छा बने, बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, अब देखो कैसे बनता है। हेलो, तो मेरे को ये वाला छाछ मिला है, बटर मिल्क छाछ, ये तो अलग अलग कंपनी का नहीं लग रहा है मेरा, मतलब दो मेरे को ब्लू वाला मिला है, दो मुझे वाइट वाला दे दिया है। अब देखो इसका टेस्ट कैसा है तो पता चलेगा। सबसे पहले हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे क्योंकि वो टाइम लगता है पकने में, और फिर उसके बाद हम पकौड़े
तल देंगे। पकौड़े तो जल्दी तल जाते हैं बट इसको पकने में बहुत टाइम लगता है, तो हम सबसे पहले इसकी भी तैयारी कर लेते हैं। अब पता नहीं, हर किसी का अपना अलग अलग पैटर्न होता है और मैं तो बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। मेरे ख्याल से मैंने 2-3 सालों से कढ़ी बनाया ही नहीं है, तो आज मेरा मन कर रहा था, फिर मम्मी ने भी बोला तो मैं अब बना रही हूँ। ये जो कढ़ी होगा ये रीना स्टाइल होगा। किसका स्टाइल? रीना। मैंने एक एक करके सारे छाछ को निकाला और उसके अंदर जो पहले की लस्सी पड़ी थी उसको मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन डालने के बाद मैंने इसमें हल्दी, धनिया, गरम मसाला और लाल मिर्च डाल के अच्छी तरह से उसे फेंट दिया, यानी मिक्स कर दिया। मैं अपने हिसाब से बेसन डालती हूँ, अगर मुझे फिर भी लगे क्वांटिटी कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा और डाल दूँगी। गाइस, अब हमने गैस जला दिया है, कढ़ाई को हम थोड़ी देर गर्म कर रहे हैं और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है स्वाद अनुसार, और बस अब कढ़ाई के गर्म होने का वेट करते हैं, फिर हम इसमें तड़का लगा देंगे और इसको डाल देंगे ताकि ये पकता रहे। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे तेल। गर्म होने का मैं वेट करूँगी। इस तेल ऑलमोस्ट गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूँगी तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने मिक्सचर में डाला हुआ है, जीरा माय ऑल टाइम फेवरेट, और ये है हींग। और अब जैसे ये हो जाएगा, टूट जाएगा, तो हम जो मैटर हमने बनाया है हम उसको इसमें डाल देंगे। दिखाओ आप, हम इसको उबलने देंगे अच्छी तरह से। अगर हमें लगेगा कि ज़्यादा गाढ़ा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। मुझे जब तक ये पक रहा है मैं पकौड़े बनाने के लिए प्याज वगैरह काट लेती हूँ फटाफट, ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। इस समय ये 3 प्याज ले रही हूँ, इन 3 प्याज से मैं पकौड़े बनाऊँगी। मैंने फटाफट 3 प्याज को छीला, फिर उनको चॉपर में बहुत पतली पतला 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 बारीकी से काट दिया ताकि वो एकदम क्रिस्पी बन जाए। तो हमारा तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है और यहाँ पे हमारा बैटर जो है ना अच्छी तरह से पक रहा है। गाइज, एक चीज़ तो भूल ही गए, कड़ी पत्ता। एक्चुअली रात हो गई अब कड़ी पत्ता, वैसे भी कड़ी पत्ता मेरा सूख गया है तो अब कोई नहीं, हमने तेज पत्ता डाल दिया है। कड़ी पत्ता को रिप्लेस कर देगा वो, ये तो कड़ी पत्ता से एक अलग स्वाद आ जाता है। चलो कोई नहीं, छोड़ो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ, फिर मुझे ना डॉक्टर के पास भी जाना है दवाई लेने के लिए। मैं अभी ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बट वो जो दवाई है ना उसको मुझे 3 दिन कंटिन्यू करना है, तो मैं सब्जी वगैरह बना के खाना पीना बना के जाऊँगी क्योंकि अभी भीड़ होगी और मैं वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो फटाफट यहाँ पर अगर सब्जी और चावल बनाते हैं फिर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। तेल ऑलमोस्ट गर्म हो गए, अब हम छोटे 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 मैं हाथ से ही कर देती हूँ, हाथ से जल्दी जल्दी हो जाता है। तो पकोड़े बनाने के लिए मैंने बोल में बेसन लिया, प्याज डाला, हल्दी डाला, नमक डाला और फिर उसके पकोड़े बना दिए। और यहाँ पे हमारा ये भी पक रहा है, तो यहाँ पे ये पकता रहेगा, इतने में हमारे सारे पकोड़े हो जाएंगे, फिर हम पकोड़ों को डाल देंगे इसमें। तो गाइस, जब तक पकोड़े थोड़े बहुत फ्राई हो रहे हैं और मेरी कढ़ी भी वो हो रही है, तो मैं थोड़ी देर हवा खाने आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, फेस से पसीने देखो, और ये मायू ये मान ही नहीं रहा, ये बार बार किचन में जाके बैठ रहा है। अरे पंखा भी कितना स्लो चल रहा है, अभी तेज चल जाएगा। अरे 9 बज गए हैं, अभी तक हमारा खाना ही नहीं बना है। कोई नहीं, बस 15-20 मिनट में हो जाएगा, मैं चढ़ा के चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, एसी भी चल रहा है और मम्मी ने एसी भी चलाया फिर भी ये यहाँ नहीं बैठ रहा है। हाँ हाँ, कितना अच्छा फील हो रहा है, ठंडा ठंडा। गाइस, मैं 2 पकौड़ा माइलू के लिए ले आई हूँ क्योंकि इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको जल्दी से जल्दी खाना है, तो इसको हम पकौड़े दे देते हैं।
हमारे पकोड़े ऑलमोस्ट मतलब फ्राई हो चुके हैं अब, और ये भी काफ़ी उबल गया है। तो अब मैं इन पकोड़ों को इसमें डाल दूँगी, नहीं तो ना ये भूखा मालू ना सारा खा जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से पकने देते हैं। यहाँ पे चावल का पानी चढ़ा दिया है, यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है और 9:30 हो गया है। मैं फटाफट स्कूटी की चाबी ले ली है, स्कूटी से जाती हूँ और डॉक्टर के पास ही तुरंत आती हूँ। कुछ नहीं हुआ है, बस रेगुलर चेकअप के लिए जाना है, वो बीपी का प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो वही। चलो मैं जाती हूँ, फिर मैं फटाफट आती हूँ। मम्मी सब्जियों भी बंद मत करना, थोड़ी देर और पकेगा वो, ठीक है, जब तक मैं वापस भी आ जाऊँगी। फाइनली मेरा काम हो गया है, डॉक्टर के पास से आ चुकी हूँ, अब मैं सीधा घर जा रही हूँ स्कूटी चला के। मेरी स्कूटी मैं दवाई वगैरह सब कुछ लेके घर वापस आ गई। हमारा डिनर रेडी हो चुका है, मम्मी ने छोक लगा दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा आधा घंटा लग गया था। मम्मी लोगों ने प्रेयर वगैरह कर लिया और मम्मी ने छोक भी लगा दिया देसी घी से, जो हमने कल निकाला था। देसी घी, अजवाइन और लाल मिर्ची से छोक लगा के इसमें डाल दिया, बस वो प्रोसेस रह गया दिखाने के लिए। अब बस मैंने आपको बता ही दिया कैसे किया मैंने, तो मैं दिखाती हूँ, बहुत सुंदर कलर आया है। तो गाइस कड़ी देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, हमारे पकोड़े भी बहुत सॉफ्ट बने हैं, कलर इतना सुंदर आया है ना। आप देखिए ये जो कलर है, ये कश्मीरी मिर्च का कमाल है। कश्मीरी मिर्च भी डाला मम्मी ने और ऊपर से कस्तूरी मेथी भी डाल दिया, और यहाँ पे हमारा चावल भी रेडी है। इस अब लग रही है बहुत तेज से भूख, अब हम खाते हैं खाना। और अब एक जन मेरे से बहुत ज़्यादा पिटने वाला है, तो आप सोच ही लो कि वो कौन पिटने वाला है। बहुत तेज से पिटेगा, गाइज। आज हमें एक शादी का इनविटेशन भी मिला है, बहुत ही क्यूट सा और छोटा सा इनविटेशन मिला है। और जो मैंने आपको बोला ना, रीना आंटी जो नीचे रहती हैं, जिनकी मैं वो हल्दी कूटने वाली रस्म में गई थी, फिर संगीत में आंटी ने मुझे बुलाया पर मैं जा नहीं पाई, और तो उन्होंने आज इनविटेशन दिया है। तो ये रहा शादी का कार्ड, तो उनके बेटे का नाम है रोहन और उनकी बहू का नाम है प्रगति। हमारा डिनर आ चुका है, ये रहा हमारा चावल, ये रहा हमारा पकोड़ों के साथ और सैलेड। गाइस हमारा खाना पीना हो चुका है, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सी यू टुमारो इन माय अनदर न्यू ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।